हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हुआ अपने यूट्यूब चैनल इवन स्टडीज पे एक नई वीडियो लेके, नई रिक्रूटमेंट लेके जो कि आई है IIM रोहतक में एकेडमिक की। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ, आप इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। ये आई है IIM रोहतक रिक्रूटमेंट है एकेडमिक एसोसिएट की। लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 जुलाई 2018। ठीक है, IIM है क्या इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। रिक्रूटमेंट डिटेल है, ठीक है, इसमें एकेडमिक एसोसिएट की वैकेंसी है। जो कैंडिडेट चाहिए PG डिग्री होनी चाहिए, M.Phil होनी चाहिए या PhD होनी चाहिए। ठीक है, एड्रेस आपको बता देता हूँ, मैनेजमेंट सिटी NH10 साउथर्न बाईपास सुनारिया इंडिया रोहतक हरियाणा। पे स्केल आपको मैं बता देता हूँ। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इसमें फर्स्ट क्लास PG में होनी चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फर्स्ट एटलीस्ट 60%, और या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद थीसिस, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में थीसिस वगैरह लिखते हैं, पेपर से पब्लिश होते हैं, वो M.Phil होनी चाहिए, या और इसके साथ है विदाउट एक्सपीरियंस PhD होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास PhD होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, और एज लिमिट है इसमें नॉट मोर देन 35 ईयर, मतलब आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट डेट आपको बता ही दिया मैंने, 16 जुलाई है। और इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, हाउ टू अप्लाई। ए कैंडिडेट विदाउट द रिक्वेस्टिंग एक्सपीरियंस मेंशनड अबव मे बी कंसिडर्ड ऑन मेरिट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कैंडिडेट के पास, तो वो ऊपर वाले जो क्वालिफिकेशन है उसके मेरिट के बिहाफ पे उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। और वो कैंडिडेट जिसने काम किया हुआ है रिसर्च एसोसिएट के साथ इन एकेडमिक एंड रिसर्च, किसी भी प्रकार की नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के साथ काम किया गया है, उसे इस एंगेजमेंट में प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ है कि कोई भी TA DA नहीं मिलेगा जब आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हो या इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बोली है कि आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, रिटन और वर्बल, और इसके साथ आपको MS Word, MS Excel, पावर पॉइंट, तो इनको इन सब की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए। सॉरी, इसके जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट डिजर्व करता है, जिसको लगता है कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अपनी जो है मेल इनके एड्रेस पे भेज दे career@iimrohtak.ac.in पे। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेल्फ अटेस्टेड करके इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दे, और इसका सब्जेक्ट जो होना चाहिए एकेडमिक एसोसिएट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसका जो है लिंक मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।